हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्टी फूड। आज मैं आपको बहुत ही टेस्टी बासुंदी बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने 2 लीटर फुल फैट मिल्क लिया है, थोड़ा सा इलायची पाउडर, एक छोटा बॉल शुगर लिया है मैंने, बादाम को बारीक कट करके रखा है और काजू को भी बारीक कट करके रखा है। देखिए, ये ऑरेंज फूड कलर है, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास सैफ्रन है तो आप सैफ्रन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम एक पैन लेंगे, पैन में इस दूध को ऐड करेंगे। देखिए, दूध को मैंने बॉल में डाल लिया है, 2 लीटर दूध मैंने इसमें डाला है। इसे अच्छे से बॉईल होने देंगे। जब ये बॉईल होना शुरू हो जाएगा तब हम इसे स्पून से मिक्स करते रहेंगे। देखिए बॉईल हो रहा है, अब हम इसे स्पून से मिक्स करते रहेंगे। स्पून को लगातार चलाते रहना है। देखिए इस तरह, देखिए अच्छे से बॉईल हो रहा है। इसे हमें अच्छे गाढ़ा होने तक पकाना है। इसको क्वांटिटी हाफ होने तक हमें इसे पकाना है। देखिए अच्छे से गाढ़ा हो रहा है। अब हम इसमें एक छोटा कप शुगर ऐड करेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए मलाई साइड्स पर आ रहा है, उसे अच्छे से निकाल के दूध में मिक्स कर देंगे। अब एक पिंच फूड कलर ऐड करेंगे, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास सैफ्रन हो तो आप सैफ्रन ऐड कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने जो ड्राई फ्रूट्स बारीक काट के रखे हैं उसको ऐड करेंगे। देखिए काजू को मैंने ऐड कर लिया है, अब बादाम को भी ऐड कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करना है इसे। देखिए अच्छा गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा इलायची पाउडर हमें इसमें ऐड करना है, कार्डमम पाउडर। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा बासुंदी अच्छे से रेडी हो गया है। देखिए मैंने बासुंदी को बॉल में निकाल लिया है। अब इसे हम एक घंटे तक फ्रिज में रखने के बाद सर्व करेंगे। अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और मेरे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स डालना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।